congratulations, a huge response you have got from the audience. So what's the feeling for sure? I'm really, really happy. बहुत ज़्यादा grateful हूँ इतने सारे प्यार के लिए. And यहाँ पर मुंबई में perform करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं audience के बीच perform कर रही हूँ. बिल्कुल literally ऐसा feel आ रहा था जैसे कि मैं family members के बीच गा रही हूँ. So I'm really, really grateful for all the love they've given to me. Even tonight, जब से concert announce हुआ था तब से जितना excitement create हुआ था, finally वो excitement आज रूबरू देखने को मिला. So I'm really, really happy. Okay, कॉन्सर्ट के सारे जो भी मनी आएगी वो चैरिटी में जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बता दें. पिछले 18 साल से मैं और मेरा भाई जब भी कॉन्सर्ट्स करते हैं तब सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए ही करते हैं. उसका 100% अमाउंट हार्ट पेशेंट्स के ऑपरेशंस के लिए ही जाता है और उसी सेम कॉज के लिए ये कॉन्सर्ट भी हुआ था. जो पहला बच्चा मदद मांगने के लिए आया था जब मैं 7 साल की थी तब हार्ट पेशेंट था वो, और उसके बाद जितने भी बच्चे ही आए और इवेंचुअली हार्ट पेशेंट्स ही आए तो वो हार्ट पेशेंट्स का एक मिशन सा बन गया. और अभी हार्ट पेशेंट्स की ही 17 साल तक के बच्चों की ही वेटिंग लिस्ट है 421 बच्चों की. सो इसलिए हार्ट पेशेंट्स का मिशन. लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय द फैमिली और योर. सबसे बड़ी खुशी एक आर्टिस्ट के लिए यही होती है जब आप अपने आर्ट से किसी का दिल छू पाएँ. एंड जब यहाँ पर इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला, जब लोग मेरे साथ मेरे गाने गा रहे थे एंड थ्रू आउट आप सबको लिरिक्स भी आते गायों के, सब वॉज रियली रियली सरप्राइजिंग. बहुत खुशी हुई. एक एक मोमेंट मैं घर पर जाऊँगी या कई सालों तक मुझे कॉन्सर्ट याद रहने वाला है. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया फैंस कल. कल की क्या है पर कुछ एक स्पेशल प्लान्स? हमेशा बर्थडे का एक स्पेसिफिक रूटीन होता है. मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, फिर कुछ बच्चों से मिलने जाती हूँ, फिर एक ओल्ड एज होम जाती हूँ, फिर अपने परिवार वालों के साथ और थोड़े बहुत परिचितों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. वसीम सर ने आपके कई सारे हार निकाल दिए हैं तो उसके बाद कुछ बता रहे हैं वसीम सर के बारे में? आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड कि उनको ये पिक्चर्स मिले कहाँ से, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस पिक्चर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट पिक्चर्स थे बहुत सारे जो किसी ने आज तक देखे नहीं है. एंड जब वो स्क्रीन पर प्ले हो रहे थे आई वॉज रियली सरप्राइज हाउ डिड ही मैनेज टू गेट ऑल दोज पिक्चर्स. शायद मेरे पेरेंट्स ने उनकी हेल्प की होगी. बट हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सरप्राइज लगा मुझे, बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक का जितना भी मिशन रहा है, जितनी पूरी जर्नी रही है, वो सारे मोमेंट्स कहीं ना कहीं वापस से दोबारा याद आ गए. सो बहुत ही स्वीट, बहुत ही इमोशनल सा सरप्राइज लगा मुझे. जन्मदिन भी और बागी 2 भी रिलीज जा रहा है, तो हाउ मच यू एक्साइटेड अबाउट द बागी 2? बागी 2 के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है. इनफैक्ट अभी यहाँ से मैं बागी की स्क्रीनिंग पर ही जा रही हूँ. एंड मुंडिया गाना जैसे रिलीज हुआ इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला. पहली बार मैंने इस तरह की आवाज़ में गाया है, सो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल था बिलीव करना कि इट्स माई सॉन्ग. रैप किया था मैंने पहली बार इस गाने में. सो दिशा के लिए कौन तुझे के बाद नाउ इट्स मुंडे आए, दैट कनेक्शन विच गॉट एस्टैब्लिश्ड इन एमेजोनी इज अगेन कमिंग. सो वी बोथ आर कमिंग टुगेदर. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म देखने के लिए. और सबसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ जाइए, जाकर फिल्म देखिए और मुंडिया पर स्पेशल शेयर कीजिए. नी 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 आँखों को छुपा के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. सबसे पहले तो जाना चाहिए क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छा फीलिंग है एंड बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत मज़ा आया. एज ऑलवेज हम लोग जब हार्ट पेशेंट्स के लिए गाते हैं तो एक मकसद होता है, तो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है कि इस शो को देकर एक की जान बचेगी, दैट वाज ऑलवेज देयर. एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया, रिस्पांस बहुत अच्छा था. पब्लिक मुंबई है सो ऑफकोर्स ये एक्सपेक्टेड था एंड होपफुली विल परफॉर्म अगेन हियर. ओके, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा शेयर करना मैम के साथ, आपके साथ लाइव ऑडियंस के साथ? मुझे बहुत मज़ा आता है इंटरेक्ट करने में पब्लिक के साथ. एंड हमेशा मैं थोड़ा रिजर्व रहता हूँ स्टूडियो में, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर वाला थोड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो सिंगर्स बहुत मस्ती करते हैं आके अलग मचाल सी जैसे. लेकिन स्टेज पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पब्लिक के साथ डांस करता हूँ, सो मुझे बहुत मज़ा आता है. इट्स सुपर फन. ओके, आई थिंक ऑन स्टेज आई थिंक 14 ईयर्स बैक.
इट वॉज जस्ट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया करना चाहता था. हाथ से तो सब प्ले करते लेकिन कुछ ट्राई किया एंड होपफुली आप सबको अच्छा रहा. No, I've in played. Mumbai. In Mumbai, yes, of course. पलाश आपके अपकमिंग सॉन्ग के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ जी, मेरी अगली फिल्म है रोमियो वॉल्टर, अकबर वॉल्टर रॉ, जो कि जॉन अब्राहम भाई की है. सो उसमें भी बहुत से गाने आतिफ भाई ने फिर किससे गाया है मेरे लिए, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे लगेंगे. जब फलक जी के साथ में आप गाना गाते हैं तो किस तरीके का है जो है दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जो मस्ती होती है वो किस तरीके से रहती है? जी बहुत हमेशा स्पेशल लगता है क्योंकि केमिस्ट्री एक रहती है, एक भाई बहन की केमिस्ट्री. अदरवाइज हम लोग जब ऑफ स्टेज जाते हैं तो बहुत लड़ते हैं, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब स्टूडियो में एंटर करते हैं या स्टेज पर रहते हैं हम लोग भाई बहन की तरह तो नहीं रहते, थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ऑफकोर्स रहती है. एंड आपने देखा, आपको आई होप अच्छा लगा हो. हाँ जी, सरप्राइज. आई लव दिस क्वेश्चन. सरप्राइजेस है लेकिन हर बार की तरह मैं कुछ नया केक में दूंगा सरप्राइज, हमेशा केक की जिम्मेदारी मेरी रहती है. सो इस बार भी कुछ नया है केक. ऑनेस्टली मेरी गिफ्ट्स की या किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, लेकिन मुझे जो ये लोग देते हैं स्पेशली, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. पूरे कॉन्सर्ट के दौरान भी मेरा ध्यान ऑफकोर्स कॉन्सर्ट में तो था ही, उसके साथ साथ वो घर पर जाकर जो मैंने गिफ्ट्स खोली हैं उन पर भी ध्यान था. सो हर बार मुझे फैमिली से, पलाश से बहुत सारी सरप्राइजेस मिलते हैं. जैसे कि उसने कहा वो केक स्पेशल वाला मुझे देता है, सो हर बार उसकी एक यूनिक थीम रहती है. पिछली बार उसने मेरे जितने भी गाने रिलीज हुए थे वो सारे मेंशन करवाए थे. जैसे कि मैंने कहा हर बर्थडे पर वही रूटीन मैं फॉलो करती आई हूँ एंड कल के बर्थडे पर भी वही रहेगा. इस बार जो खास बात है, और ज़्यादा जितने भी मेरे प्रशंसक हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, वो ख़ुद को पल्कियंस बुलाते हैं. तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिन से एक्साइटमेंट चल रहा है, और उस एक्साइटमेंट को देखकर आई वॉज रियली सरप्राइज कि इस तरह भी कोई किसी के बर्थडे का इंतज़ार कर सकता है. तो वो एक्साइटमेंट इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल है. Thank you. बहुत बढ़िया लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट. एंड जिस तरह से ये पलक एंड पलाश जो हैं, ये जो सिंगिंग कॉन्सर्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका जो थीम है वो एक एंटरटेनमेंट सिर्फ नहीं है, वो एनजीओ को इसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो जाएगा, इट्स यू नो इट्स हार्ट टचिंग. एंड सच में इस तरह के इनिशिएटिव से हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, उसको एनहेंसमेंट एंड उसको अपरूटिंग अपब्रिंगिंग मिलता है. इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग. मैम, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन यू पीपल एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग अस एंड मेकिंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गाने कोई फेवरेट आपके या कुछ ऐसे कुछ? मुझे नहीं पता कि यहाँ पर फरमाइश बजाई जाएंगी कि नहीं, बट अगर फरमाइश बजाई जाएंगी तो मेरी दो गानों की फरमाइश होगी. एंड जैसा इवेंट आगे बढ़ेगा मैं स्टेज पर बताऊँगा. बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा भाई. जो म्यूजिक है इस जीवन में, इस पूरी पृथ्वी पर, म्यूजिक से बड़ा कुछ भी नहीं है. अगर आप एक बार साइंस में देखेंगे तो साउंड लेविटेशन यानी म्यूजिक से पत्थरों को उठाया जा सकता है. जब म्यूजिक को सुर मिलता है तो वो गीत बन जाता है, जब म्यूजिक को शब्द मिलते हैं तो वो गजल बन जाता है, जब म्यूजिक को भाव मिलते हैं तो पोइट्री बन जाता है, जब लोग म्यूजिक को गाते हैं यू नो जब उसको गुनगुनाते हैं तो वो सुर बनते हैं. एवरीथिंग इज कनेक्टेड समवेयर टू म्यूजिक, टू हारमोनी. जब इंसान दुखी होता है तो वो सैड सॉन्ग सुनता है, जब खुश होता है तब वो गाने सुनता है. हम म्यूजिक से कभी पार हुए नहीं, चाहे वो अल्लाह के लिए अजान हो तो वो एक म्यूजिक है, भगवान के लिए गीत हो तो वो एक म्यूजिक है. म्यूजिक से हम कभी पार हुए नहीं और कभी पार होंगे नहीं. मैम, आपके कोई कोई खास गाने जो यू वुड लाइक टू हियर हुए? लाइक आई लाइक ऑल ओल्ड काइंड सॉन्ग्स. लाइक अभी तो म्यूजिक को पूरा एक अलग ही उसमें दिया है सर की. एंड मेरी थिंकिंग इस चीज में लाइक आई ऑलवेज लाइक टू लव लाइक जो हमें एकदम इमोशनल, बिकॉज आई एम लाइक इमोशनल होती हूँ मैं, तो इसलिए आई लव टू लिसन इमोशनल काइंड ऑफ सॉन्ग्स. एंड पार्टीज में लाइक इट शुड बी अ फुल पार्टी सॉन्ग्स. आई लाइक यू नो दोनों टाइम के लिए अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, तो आई हैव बोथ चॉइस दैट आई विल गोइंग टू लुक आउट टू प्ले आउट. एब्सोल्युटली. ऑल्सो चिराग भाई, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव नाउ, आप बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तन मन धन से
देखो हर एक इंसान का अपना एक कैपेसिटी होता है, हम अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं हम करेंगे, इतना कहना चाहूँगा। एनजीओ के लिए है, एनजीओ के लिए है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन FYI, इस देश के करीब 3 लाख एनजीओ गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। ये वो एनजीओ थे जो सिर्फ बोगस पेपर पे एनजीओ थे, जो काले पैसे को सफेद करने का काम करते थे। आज जो एनजीओ हैं हमारे कॉन्टैक्ट में वो रेप्यूटेड एंड सर्टिफाइड एनजीओ हैं कि उसका पैसा जिस मकसद के लिए लिया जा रहा है उस मकसद तक वो पैसा पहुंचे, ये उस तरह के एनजीओ हैं। सॉरी रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, मुझे मुझे उसका बाइफर्केशन मुझे उसका आइडिया नहीं है। जो इवेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं दे माइट बी एबल टू आंसर यू प्रॉपर्ली ऑन दैट क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय द इवेंट। वो बच्चे जिनके दिल में छेद है।
Thank you.
global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, आपकी फिल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।